पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। आप कहां गया श्रेष्ठ भारत? 70 पेपर लीक हुए, एक भी इंसिडेंस आप बता दो जहां पर आपने काम किए। मध्य प्रदेश में 8 साल लग गए पहला FIR दर्ज होने में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले होते हैं और गड़बड़ियां होती है उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक कानून लेकर आए। इस कानून को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ना तो इनको इस मुद्दे से कोई लेना है ना इनको देना, और इनका उद्देश्य ही नहीं है कि इस मुद्दे को आप एड्रेस करें। ये कहते हैं कि भाई 4 से 5 साल की अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स मिलते हैं तो 4 से 5 साल की सजा होगी, 5 से 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिलता है तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल तक होगी सजा और 1 करोड़ तक। एक पेपर 1 करोड़ में बिक रहा है, यहां पर 1 करोड़ की फाइन लगाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हम आज आने वाले सदन में देश के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में लगे, संभव है कि वो निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, हम उठाएंगे उनके लिए, पूरा देश उनके साथ है। अगले सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। हम आज मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो मंत्री जी है उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जो ये कानून बनाए हैं, जो लॉ इन्होंने बनाया है उसको अपग्रेड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की SIT कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जब भी पेपर लीक के मामले हो, एज अ परमानेंट मेजर, नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इस पे इन्वॉल्व है उसको लाइफ टर्म इंश्योर होना चाहिए। आप एक चोरी करते हो, एक खदान का घोटाला करते हो, वो बात छोटी है, लेकिन आप लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को जब आप बेचते हो तो इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है। इसको देशद्रोह से नीचे आंकना ही गलत होगा। तो इस पे लाइफ टर्म मिलनी चाहिए। और सरकार में जो भी जिम्मेदार है, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो पूरे का पूरा NTA इसके लिए जिम्मेदार है। अगर NTA जिम्मेदार है तो फिर सरकार भी जिम्मेदार है। मंत्री जी को इस पे उत्तर देना चाहिए और मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा किया जाए। विश्वास को अगर अर्जित करना है तो इस तरीके की धांधलियों को तुरंत रोकना पड़ेगा। और प्लीज प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोई संस्था बना नहीं सकते हैं तो जो बनी हुई संस्था है उसको मत तोड़िए, देश बर्बाद हो जाएगा।